हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे एक नए ब्लॉग पे। और अभी मैं शाम को ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो लगभग 5 बज चुके हैं और अभी मैं चीकू को लेकर जाऊँगी ट्यूशन छोड़ने। और देखिए मिस्का को यहाँ पे, मिस्का देखिए कैसे सोई है, तो मैं कैसे इसको लेकर जाऊँ। थोड़ा सा वही डीप कर लग रहा है, देखिए यहाँ पे रेडी हो गया है, हम जाएंगे ट्यूशन। और ये है बाबू की फ्रेंड्स सिस्टर। हेलो बोल रही है आप सबको, अपना असली नाम बता दो। अनिष्का तिवारी। तो चिकू को ट्यूशन से छोड़कर आ गए और मिस्कू को देखिए, मिस्कू अभी यहाँ पे बैठकर चिप्स खरीदवाई थी तो खा रही है ना। मिकू है, बोलो हाँ बोल दो मिकू। दो दिन से ब्लॉग भी नहीं आ रहा था फ्रेंड्स। देखिए मेरा सर में इतना दर्द रह रहा है, क्या मैं बोलूँ। और कल पूरा दिन संडे था, तो कल मैं साफ सफाई में लगी थी, हस्बैंड जी थे तो कल हस्बैंड जी थे तो साफ सफाई कर लिए। और आज टाइम मिला तो चिकू का कुछ प्रोजेक्ट बाकी था ड्राइंग वाला, मिला है तो इसको मैं बनाने में लग गई। अभी समझ में नहीं आ रहा, जब कलर कर लूँगी तब दिखाऊँगी। लिखिए, और एक मनी बैंक बनाना था तो मनी बैंक भी बना दिया है। और इसमें बस मनी डालने के लिए बस उसको कट कर देंगे, बस मनी बैग तैयार है। तो इसी में मैं लगी थी प्रोजेक्ट में, और कलर ख़त्म हो गया था तो कलर ख़रीद कर लाए हैं। और इसको बैठकर मैं ड्राइंग करूँगी और उसके बाद अभी जा रहे हैं शाम। तो मेरा शाम का पूजा भी हो गया, तो दीप दिखाने से पूरा रूम काला काला हो जाता है, तो मैं दीप दिखाकर तुलसी जी में रख दी हूँ। देखिए हम इसको कपड़ा आते ही भींगा दी, पानी पिला रहे थे, पूरा कपड़ा फिर चेंज करना पड़ा इसको नमिक। आ देखिए, पहले प्रसादी जो लोकन दाना होता था फेंकना पड़ता था, नहीं कोई खाता। हम इसको जब से आया है तब से 1-2-3-4 रहता है, खा जाती है। पूजा हुआ कि बस मुझे प्रसादी दो ना मिस्कु। और आज मिस्कु के पापा थोड़ा लेट आएंगे, डेली आते हैं 5 बजे, तो आज लेट होगा। आज है मंडे को थोड़ा लेट छुट्टी होता है, तो वो आ जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या बनाते हैं। अभी थोड़ा मुझे पाँच बज रहे हैं, अभी मुझे टाइम है आधा घंटा, तो आधा घंटा में जो ड्राइंग है वो कंप्लीट कर देते हैं। मिलते हैं थोड़ा देर बाद आप लोग से। देखिए ऐसा बन के रेडी हुआ है। हम इसकू की वजह से पूरा कलर ख़राब हो गया है क्योंकि बनाने नहीं दे रही थी ठीक से। और यह है मिकी माउस, कैसा बना है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और यहाँ देखिए शाम हो गया है तो 5, और इसके पापा ड्यूटी से आ गए थे, तो यहाँ पे देखिए नमकीन और टोस्ट निकाली हूँ। तो शाम में थोड़ा सा हल्का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मिस्कू को दे रहे हैं, जाओ मिस्कू पापा को दे दो। तो देखिए कैसे कर रही है ये, बस ऐसे करती रहती है, गुस्सा होकर चली गई, गुस्सा होकर फिर वैसे घूम कर आएगी। देखिएगा आ गई, हाँ घूम कर आ गई, तो ऐसे करती रहती है, गुस्सा करती रहती है और बात बात में गुस्सा हो जाती है। तो चाय बन गया है मेरा, तो चाय भी जाकर दे देती हूँ। और सीधे मैं फिर आ गई किचन में, तो किचन में आते आते मुझे 8 बज गया था क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा परेशान कर रही थी, बोल रही थी सोने के लिए, सो भी नहीं ऐसे करते करते, और लेट हो गया। 8:30 बज गया था और चिकू ट्यूशन से भी आ चुका था, 8 बजे तक वो आ जाता है। तो मैं आई किचन में, और किचन में आते ही सब्जी कट की, और यहाँ पर देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है, 2 हरा मिर्च ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं भिंडी का भुंजिया बनाऊँगी, मसाले वाला, हल्का मसाले वाला। यहाँ पे मैं तड़का में केवल जीरा ऐड की हूँ थोड़ा सा एकदम, और उसके बाद मैं डायरेक्ट भिंडी डाल दूँगी, प्याज वगैरह नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और अगर आप ऐसे बनाते हैं तो रोटी के साथ सूखा बिल्कुल बहुत यम्मी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं भुंजिया बनाऊँगी और इसमें जस्ट नमक भी ऐड कर दूँगी, 2 मिनट हो चुका था तो चपकता भी नहीं है। सब बोलते हैं भिंडी बनाने में ये हो जाता है तो लट टाइप में लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा बनाती हूँ, मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगता है। और सच बताओ तो मेरे भिंडी बहुत हस्बैंड जी का फेवरेट है, और मेरे पापा को भिंडी का सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है, वो जब भी
भिंडी में बनाती थी शादी से पहले, तो बोलते थे सब्जी बनाने के लिए, तो मैं सब्जी बना के खिलाती हूँ। यहाँ पे 10 मिनट होने के बाद हल्दी मिर्चा जीरा पाउडर ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा एकदम हाफ चम्मच, छोटा सा चम्मच है उसी से हाफ चम्मच करके मैं ऐड की हूँ। यहाँ पे मैं फिर 10 मिनट भूजूँगी, 20 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। और खाना बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है मुझे, क्योंकि ज़्यादा बनाना भी नहीं पड़ता है, तो आधा घंटा में मेरा खाना बन जाता है। तो 10 से 12 रोटी बनाती हूँ, उसमें सुबह भी बच जाता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटी भी बना लेती हूँ, और मिस को थोड़ा ज़्यादा ही परेशान कर रही है, क्योंकि वो दिन में नहीं सोई थी, सुबह में ही सोई थी, तो सो जाती है तो थोड़ा सा ठीक रहता है। और दिन में नहीं सोई थी, जब ट्यूशन जाने का टाइम हुआ था तब थोड़ा सा जैसी जस्ट सोई थी, और तो सोई थी तो मैं सोची क्या करूँ, तो जस्ट सोई थी, मतलब 10-15 मिनट भी नहीं हो रहा था, इसलिए इसका कचिन इनमें उठ गई थी। और यहाँ पे चीकू के लिए मैं दूध रोटी निकाल के रखी हूँ, तो बोला मम्मी मुझे भी भूख लगा, तो मैंने ठीक है हैंड क्लीन कर लो, उसके बाद मैं खाना निकाल देती हूँ। तो देखिए दीदी रोटी खाएगा, क्योंकि सब्जी ये कुछ नहीं खाता है, भिंडी करेली बैंगन, खाली इसको आलू चाहिए, चाउमीन चाहिए, बर्गर चाहिए, यही सब इसको पसंद है। बच्चा लोग का जानते हैं, और मिस्को को देखिए सेलस खिलाएंगे कैसे करेगी, देखिएगा आप सब सीधे डायरेक्ट फर्श पे सो जाएगी, और ऐसी करते रहती है। बहुत मुश्किल होता है मुझे, अभी अभी 2 साल और इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी मुझे, और छोटा से ही मुझे परेशान कर रही है, उतना चीकू भी मुझे परेशान नहीं किया जितना ये करती है। और देखिए खिला रहे हैं, और इसको खिलाने के बाद 9 बजे गया था, देखिए चीकू खा रहे हैं, यहाँ पे मूवी चल रहा है उधर शायद, कुछ मैं तो टीवी देखती नहीं हूँ, जो भी है न्यूज के लिए बस उसका पापा रिचार्ज कराते हैं, और चीकू को टाइम मिलता कार्टून देखता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, कब मुझे मम्मा सिलाएगी। और यहाँ पे देखिए भिंडी का सब्जी रोटी निकालती है, देखिए कितना इसका कलर, देखिए कितना लुकिंग डिलीशियस है एकदम। तो मैं दे देती हूँ खाने के लिए, हम इसका भी काफ़ी परेशान कर रही है सोने के लिए, तो 9:30 हो ही चुका है, तो मैं जाऊंगी अब उसको सुलाऊंगी, और साथ में मेरा भी ये खाना है, तो इसके पापा खा ले तो मैं फिर इसको सुला कर खाऊंगी। तो देखिए कैसे कर रही है, खाएगी नहीं बस झूठ के बैठी है। मुझी को देखिए कैसे उल्टा पलटा सोते रहता है, इधर उधर पूरा पेट फैला कर रख देता है। हम बर्तन भी क्लीन कर लिए हैं, और खाना भी हम खा लिए, हम इसको को सुला कर आ गए हैं, और दूध है तो दूध इसको गर्म करेंगे। और काफ़ी रात हो चुका है फ्रेंड्स एडिट करते करते, तो देखिए क्लीन हो गया सब बर्तन। और आप सबसे कुछ बात भी शेयर करनी थी, फैमिली में तो मेरे सब कुछ है, सब है, लेकिन बच्चों से ही मुझे सारा दिन कट जाता है। और आप सब भी जुड़े रहिए, मानिए तो सब अपने हैं, नहीं तो सब सपना है, ऐसा ही कुछ होता है। तो आई होप आप सबका आज का ब्लॉग अच्छा लगा था, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।